सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी इम्तियाज अहमद के निर्देश पर आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की, जहां भारी मात्रा में कारतूस व हथियार के साथ सिमरी बख्तियारपुर थाना के आजाद नगर गंज वार्ड नंबर 3 से एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विनोद कुमार है, जो पेशे से सरकारी शिक्षक है और सलखुआ थाने का आर्म्स एक्ट का नामजद अभियुक्त है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, दो देसी कट्टे, दो मैगजीन, 155 कारतूस व दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में प्रेस वार्ता कर सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी इम्तियाज अहमद ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में सभी थाने की पुलिस को फरारी वारंटियों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली थी कि सलखुआ थाने का नामजद आर्म्स एक्ट के फरारी अभियुक्त विनोद कुमार बख्तियार थाने क्षेत्र के आजाद नगर गंज वार्ड नंबर 3 स्थित अपने घर में छुपा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इनके घर से एक पिस्टल, दो देसी कट्टे, दो मैगजीन, 155 कारतूस व दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी विनोद कुमार एक सरकारी शिक्षक हैं, जो सलखुआ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कांजी गोरदह में कार्यरत थे, जिसे आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली अवैध असलाहे और हथियार की। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार अंचल निरीक्षक बख्तियारपुर अंचल के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर सुधाकर बख्तियारपुर थानाध्यक्ष, सलखुआ थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश कुमार को शामिल किया गया और अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया गया। छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठिकाने पर छापेमारी की और एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। उनसे पूछताछ के क्रम में उनके घर की तलाशी ली गई, वहाँ से भी भारी मात्रा में अवैध असलाहे और गोली की बरामदगी। R9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, सहरसा बिहार से।